उपचुनाव से पहले मध्य प्रदेश की सियासत में एक बार फिर किसान कर्ज माफी को लेकर राजनीति तेज हो गई है। सदन में सरकार की ओर से आंकड़े पेश किए गए हैं कि 26 लाख किसानों का कांग्रेस की सरकार ने कर्ज माफ किया। अब इसके बाद सरकार ही इस जवाब के बाद घिरती नजर आ रही है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। वो एक धोखा था, गलत जानकारी भेजी गई है और इसको कहते हैं भारतीय जनता पार्टी में थूक के चाट लेना। हम बात कर रहे हैं 2 लाख रुपए का। कितना झूठ बोलेंगे। मध्य प्रदेश में किसान कर्ज माफी के मामले में शिवराज सिंह चौहान की सरकार घिर गई है, क्योंकि सरकार अभी तक ये कहती रही है कि कांग्रेस ने झूठ बोला है, कर्ज माफी हुई ही नहीं। लेकिन विधानसभा में एक सवाल के जवाब में सरकार ने माना है कि लगभग 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया गया है। सरकार के इस जवाब के बाद कांग्रेस शिवराज सरकार पर हमलावर हो गई है। वहीं इस मुद्दे पर घिरता देख सरकार अब असमंजस की स्थिति में आ गई है। यही वजह है कि सीएम शिवराज और उनके मंत्री इसे नकारने में लगे हुए हैं। सरकार की इस हामी का ठीकरा अधिकारियों पर फोड़ा जा रहा है। कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि विधानसभा में अधिकारियों द्वारा दी गई किसान कर्ज माफी की जानकारी गलत है। उन्होंने कहा कि इस बात की जांच कराएंगे कि अधिकारियों ने गलत जानकारी क्यों दी है। ऐसा है कि मैंने यहाँ प्रमाण सहित बताया था, वो एक धोखा था और कई किसानों को प्रमाण पत्र बांटे गए, उसका पैसा अभी तक हम भर रहे हैं। देखिए वो विधानसभा में गलत जानकारी भेजी गई है, उसकी जानकारी गलत जानकारी भेजी गई है और नहीं जो भी है वो उसकी जानकारी अधिकारियों के स्तर पर गलत भेजी गई है और उसमें जांच करके उसको ठीक किया जाए। अरे भाई हमारी बात सुनो, नहीं कोई गलती नहीं हुई है। 2000 और 4000 रुपये माफ करने की बात जो कही गई है वो हुए हैं। हम बात कर रहे हैं 2 लाख रुपए की, आप मिलाओ मत ही कांग्रेस की, उसमें मत आओ। वहीं कमलनाथ द्वारा किसान कर्ज माफी के मुद्दे पर सीएम शिवराज और राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया से माफी मांगने वाले बयान पर कृषि मंत्री कमल पटेल ने पलटवार करते हुए कमलनाथ को देश का सबसे बड़ा झूठा नेता करार दिया। 48 लाख किसानों का 54,000 करोड़ का 2 लाख तक का 31 मार्च 2018 तक का कर्जा माफ किया जाता है। हस्ताक्षर कमलनाथ, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन, ये सबसे बड़ा झूठ मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने जनता के आंखों में धूल झोंका, मीडिया की आंखों में धूल झोंका, प्रिंट मीडिया में छपा ऐतिहासिक निर्णय। कमलनाथ पहले जवाब दो, सबसे पहले तुम माफी मांगो कि मैंने जनता को गुमराह किया और मुख्यमंत्री बनने के बाद में पहला ही हस्ताक्षर झूठ के हस्ताक्षर थे और इसलिए सबसे बड़ा झूठेला इस देश में कोई नेता है वो है कमलनाथ। पहले कमलनाथ माफी मांगे 7.5-8 करोड़ जनता से, किसानों से, और नहीं तो अपने पद से इस्तीफा दे, तुम जन प्रतिनिधि लायक नहीं हो। वहीं विधानसभा में शिवराज सरकार के कबूलनामे पर कांग्रेस आक्रामक हो गई है। कांग्रेसी नेताओं ने बीजेपी और शिवराज सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए प्रदेश भर में आंदोलन करने की बात कही है। इसको कहते हैं भारतीय जनता पार्टी में थूक के चाट लेना। शिवराज ने थूक के चाटा, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने थूक के चाटा, कृषि मंत्री कमल पटेल बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, थूक के चाटना पड़ा। 26.5 लाख किसानों का कर्जा कमलनाथ की कांग्रेस की सरकार ने डंके की चोट पर माफ किया था। तुम्हारे पिताजी को भी विधानसभा में जवाब देना पड़ा कि हाँ, कि 26.5 लाख किसानों का कर्जा कमलनाथ की सरकार ने माफ किया है। झूठ बोल के किसानों के भविष्य को बर्बाद मत करो, फसल नष्ट हुई उसका पैसा दे दो, नहीं तो कपड़े फाड़ देंगे तुम्हारे किसान लोग। ऐसा है कि ये स्पष्ट हो गया प्रदेश के किसान भाइयों कि जो दल, जो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बार बार 500 बार झूठ बोले कि किसान कर्ज माफ़ी नहीं, जो कृषि मंत्री ये कहते थे कि कमलनाथ जी पे FIR होनी चाहिए, जो
ज्योतिरादित्य सिंधिया जिन्होंने लोकतंत्र की हत्या करने में मुख्य अभियुक्त बने, वो किसान कर्ज माफी का आड़ लेते थे, बहाना बनाते। एक प्रश्न के उत्तर में कमल पटेल ने ये कहा, कृषि मंत्री ने ये कहा कि 11.5 लाख से ज़्यादा, 1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा कर्ज माफ किसानों का हो गया, 26 लाख किसानों का कर्ज माफ हो गया। ये लिखित में जवाब दिया। इनका झूठ, इनका पाखंड, झूठ के बाद झूठ बोलने की इनकी प्रोसेस, कितना झूठ बोलेंगे उसकी पराकाष्ठा, इनका असली चेहरा मध्य प्रदेश की जनता के बीच में आया है। मैं मानता हूँ मध्य प्रदेश का एक एक किसान भाई जागरूक है, इनको सबक सिखाएं। अब मंत्री कह रहे हैं कि ना जांच करेंगे, वो गलत था। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैंने ये कर्जा माफ किया, मैंने पैसे डाले। एक मंत्री कहते हैं गलत उत्तर है, कमलनाथ के अधिकारियों ने ये उत्तर दे दिया, एक मंत्री अलग और जवाब देते हैं। मैं मानता हूं कि कमल पटेल कृषि मंत्री होते हुए जवाब उनकी सिग्नेचर से आया है, सब अलग अलग बयान दे रहे हैं, जैसे एक झूठ दूसरे झूठ के ऊपर टिकता नहीं है। इनका झूठ अपने आप उजागर हुआ, मुख्यमंत्री का चेहरा उजागर हुआ। मैं मानता हूं कि ये कर्ज माफी इनको लागू रखनी चाहिए, अन्यथा पूरे मध्य प्रदेश में किसान जन जागरण अभियान कांग्रेस पार्टी चलाए। कुल मिलाकर किसान कर्ज माफी को विधानसभा में स्वीकार शिवराज सरकार ने सेल्फ गोल कर लिया है, वहीं कांग्रेस के हाथ लॉटरी लग गई है, वहीं भाजपा खींच मिटाने के लिए गलत जवाब देने वाले अधिकारी के खिलाफ जांच की बात कहकर किसी तरह इस पर पर्दा डालने की बात कह रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, भोपाल।